स्वागत है आपका उस स्पेशल एपिसोड में गाइज, जहाँ पर आपको पता है हम लोग आज जाने वाले हैं हार्दिक भाई के साथ शूट करने के लिए गाइज। बहुत बहुत बड़ा दिन होने वाला है। फिलहाल अभी हम लोग बॉम्बे में थे गाइज, एंड जिस होटल में हम लोग है ना उसके बाहर के सीन्स चेक कराते हैं आपको। चेक करो गाइस, क्या मस्त खोली का व्यू मिल रखा है हम लोगों को। बस आपको सूरज दिखा रहे थे गाइस, इतनी जल्दी हम लोग सूरज देखते नहीं ना। दुबई मेट्रो स्टेशन, ये हमारे दुबई का नहीं, हमारे बॉम्बे का मेट्रो स्टेशन है, समझ रहे हो। ये हमारे इंडिया का मेट्रो स्टेशन है, बट पीछे पहाड़ पूड़ भी है गाइस, इतने बड़े पहाड़ नहीं है, बट ठीक है ओके। उत्तराखंड की याद नहीं आती मेरे को, मैं जब बॉम्बे के थोड़े से छोटे पहाड़ देख लेता हूँ। फिलहाल देखेंगे, अभी हम लोग सुबह उठे ही थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। बहुत बहुत ज्यादा भूख लग रखी है, कल तो भयंकर इतने थके हुए थे। अली भाई तो रात को डिनर करके भी आ गए, मैं तो ब्रो उठ ही नहीं पाया, पता है ज़ोन्ड आउट। मैंने वो बेनाड्रिल पी करके सो गया भाई। बेनाड्रिल पी के जो नशा होता है ना भाई, क्या मस्त नींद आती है बेनाड्रिल पी के, पता ही नहीं था मैं कौन सी दुनिया में हूँ। यार हमने उसको एयरपोर्ट पे बोला था भाई हर्बल वाली मत देना, हमने एयरपोर्ट पे मेडिसिन खरीदने, हमने कहा भाई तू हर्बल वाली मत दे, हमें केमिकल वाली दे क्योंकि हमें सोना है। और लेकिन बॉडी एकदम रिफ्रेश हो गई है गाइस आज तगड़े शूट्स के लिए। फिलहाल अभी बूफे चलते हैं गाइस खाना खाने के लिए। ओके बॉयज, फाइनली इतने दिनों बाद इंडियन नाश्ता। चेक दिस आउट, पराठे दाल सब्जी। इसके लिए इतनी मिसिंग थी ना, इतनी क्रेविंग थी। अली भाई आप तो कितने टाइम बाद नाश्ता कर रहे हो? एक साल। मैं एक हफ्ते बाद गाइस, बट एक हफ्ते मैं दुबई में मैगी में जिंदा रहूं, बिकॉज मेरे को ना खाना नहीं पर जचता, मेरे को ये सिंपल बेसिक खाना चाहिए होता है, इतना टेस्टी हो रहा है ना गाइस। फ्रूट्स एंड सैलेड भी हैं, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी एंड गाड़ी हमारी पहुँच चुकी है। फाइनली द मोमेंट इज हियर गाइस, जा रहे हैं हम लोग हार्दिक भाई से मिलने के लिए। लेट्स गो गाइस, एंड स्पेशल थैंक्स टू स्टार स्पोर्ट्स जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया गाइस। याद है ना हम लोग बचपन में आईपीएल स्टार स्पोर्ट्स पर देखा करते थे टीवी पर, जिस टीवी पर हम लोग वो स्टार स्पोर्ट्स देखा करते थे, आज हार्दिक भाई से वहीं मिलने जा रहे हैं। लेट्स गो गाइस, सारा सामान रेडी हो चुका है। अली भाई एक्साइटेड? मैं ठीक लग रहा हूँ। सुंदर सुंदर सुंदरी लग रही है अली भाई। पहुंचते हैं, नीचे हमारी गाड़ी आ चुकी है गाइस, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी भी सब आ चुकी है। आज का दिन बहुत क्रेजी होने वाला है, बिकॉज आज हम लोगों को कॉलेज में एक इवेंट में भी जाना है। बहुत क्रेजी व्लॉग होने वाला है, इतने दिन बाद कुछ खतरनाक कर रहे हैं, तो चलते हैं नीचे गाइस। ओके बॉयज, फाइनली इट्स द टाइम, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वेन्यू पे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेज अपीयरेंस देने के लिए। अली भाई एक्साइटेड? एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हो रहा है, लाइक आई वाज ऑलवेज स्टेज शाय, हमारे नॉर्मल सीन्स हैं डेली। और इस कॉलेज में भी पता भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, रैंडम सीन्स गाइस, कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं कर रखे। भाई एक चीज याद आ गई, कॉलेज के दिन और क्रिकेट है ना, दोनों एक साथ गए। लेट्स गो स्टेज अपीयरेंस करते हैं मस्त। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग है एंड आपको पता है आज हम लोग हार्दिक भाई से मिलने आए थे एंड हम लोग उससे पहले एक कॉलेज में आए थे।
It's been so long. I have gone to college, but college ke scenes check karate boys aapko. Let's hear it from the college guys. Itne bade fan aap Hardik Pandya, sabse pehle ab tak mil paaye unse? Ab tak nahi mil paaya, but definitely we have a meeting with him. Especially I came from Dubai just to meet him, and I've always been a fan of cricket, and Pandya is like one of my favorite. Lovely. Hum sab ke bahut aziz Hardik Pandya. What do you think, yaar? क्या खास बनाता है हार्दिक पांड्या को? कुछ दो तीन क्वालिटीज या फिर कुछ आप जो आप रिलेट करते हैं हार्दिक पांड्या से? See, मुझे लगता है no matter what how big you become, but एक स्टोरी रहती है कि वो एक मिडिल क्लास लौंडे का शाहरुख खान वाला फैन बेस रहता है ना. वी ऑल फ्रॉम लाइक अभी मुझे लगता है कि हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से उठे हैं. एंड टॉकिंग अबाउट हार्दिक, यू नो उनकी स्टोरी आई हर्ड. He was just a small boy from Gujarat, and जिस तरीके से उन्होंने गुजरात से बिल्डअप करके ये बहुत अक्सर आपने सुना होगा, बिग बॉस चाहते हैं, हम कहते हैं स्टार स्पोर्ट्स चाहते हैं. अनुराग कन्फेशन रूम नहीं, लेकिन स्टेज पर अगर अपने अंदाज में गढ़वाली भाषा में कुछ अगर कह सके हार्दिक पांड्या के लिए, तो वो क्या होगा? हमारे उसमें गढ़वाली लैंग्वेज में भैजी करके बोलते हैं. जो भी बड़े भाई होते हैं उन्हें भैजी करके हम लोग रिलेट करते हैं. सो हार्दिक पांड्या भैजी, ऑल द बेस्ट फॉर योर IPL सीजन एंड डू वेल इन IPL. लवली. जितने भी लोगों के उन्हें पता होगा कि जब बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे ना, तो फर्स्ट बॉल बहुत सारे लोगों को पता होगा, फर्स्ट बॉल में जब भी आप आउट होते थे ना, तो वो नो बॉल करके हम लोग कहते थे. मैं हार्दिक भाई से अब मिलने वाला हूँ, मैं पूछने वाला हूँ उनसे कि आप जब माही भाई के साथ ये क्रिकेट खेलते हो, तो फर्स्ट बॉल पे अगर आप आउट हो जाते हो, तो वो नो बॉल वाला सिस्टम रहता है कि नहीं रहता आपके पास? ये तो इंटरेस्टिंग होगा उनसे जवाब भी जाना. लेकिन वी वांट टू सी यू प्ले सम क्रिकेट शॉट फॉर अस. वी हैव गॉट अ बैट एंड अ बॉल. भाई स्लो बॉल ना, पहले से 200 रुपए मिलेंगे, इसके बाद आउट मत करना पहले बॉल. ये बोल रहा है अंडर आर्म ओवर आर्म. भैया मुंबई के अंदर अंडर आर्म बहुत बड़ा है, लेकिन भाई उत्तराखंड से वहां पे सिर्फ ओवर आर्म ही चल रहा है. तो ज्यादा तेज मत डालो, आराम से डालो. और ये तो काम दे यार, हो गया अनुराग. ओके बॉयज, जो भी हमने इस ब्लॉग में देखा ना, वो सब कुछ रैंडम हो रहा था. मेरे को पता भी नहीं था स्टेज पे जाकर के क्रिकेट खेलना है. स्टेज पे जाकर के तो बोल दिया कि भयंकर क्रिकेट खेलना आता है. पता नहीं बचपन में फर्स्ट बॉल पे आउट हो, बट इट वाज अमेजिंग. एंड राइट नाउ हियर द थिंग इज हैपनिंग. अभी हम लोग जा रहे हैं हार्दिक भाई से मिलने के लिए. सुपर एक्साइटेड गाइस, सुपर एक्साइटेड. लेट्स गो मीट हार्दिक भाई. सिक्स लगा. भाई पहली बॉल पे वो तो शुक्र है बैट पे टच कर गई. भाई कोई ग्राउंड से चिल्ला गया, सुपरा की तेज में बॉल डालना. अमेजिंग ग्राउंड है गाइस, अपना अमेजिंग ग्राउंड है. कैसा है? बढ़िया. बस क्या अमेजिंग ग्राउंड. लुक एट यू ब्रदर, मेरे से ज्यादा तो बच्चा क्यों बन रहा है? ऑलवेज अ बिग फैन भाई. अरे थैंक यू सो मच. इन्नी होएगा अरे करोगे सांस को इन्नी दिमाग. ओके बॉयज, हम लोग पांड्या भाई के साथ शूट करके आए, और अली भाई ने कितनी मिस्टेक्स हो सकती थी फ्रॉम अ प्रोफेशनल कैमरा. भाई रील इन्होंने कितने सेकंड लेट, भाई थोड़ा और 40 सेकंड बाद शूट करते ना. भाई मैं नया हूँ, मेरी एक टांग नकली हॉकी का प्लेयर था. भाई मिड से शुरू करी रील गाइज, क्या बताऊँ. और व्लॉग भी वन पे शूट हो रखा है. मुझे ऐसा लग रहा था अली भाई को अब यहीं छोड़ना पड़ेगा. मैं अब दुबई नहीं जा रहे भाई. सिनेमैटिक्स अच्छे लिए मजाक कर रहा हूँ, बट रील थोड़ी सी लेट शुरू कर दी. ओके गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेज का सीन. सब कुछ अनप्लान्ड, स्टेज अपेयरेंस अनप्लान्ड, इवेंट का अपेयरेंस अनप्लान्ड. और उसके बाद सबसे खतरनाक चीज पता है क्या, अभी क्रिकेट खेलने वाला थिंग वॉज तो टोटली अनप्लान्ड. वो तो शुक्र है दोनों बॉल बल्ले पे टच हो गई. भाई मैं फर्स्ट बॉल पे आउट होने वाला बंदा हूँ, एक शॉट चलो ऊपर लगा, दूसरा शॉट मैंने ऑडियंस की तरफ मारा और उसमें भी किसी ने कैच नहीं गिरा. वो तो बहुत ही अच्छा हो गया, नहीं तो वो भाई ये बता नहीं थे तुमने वर्ल्ड कप जीता है, ये बताना नहीं था. हाँ गाइस, मैं वो जो नोकिया के फोन में वो जो 6-6 आता ना, उसमें मेरे को छक्का मारना था उसके अलावा कुछ नहीं. बट द बेस्ट थिंग वाज जिस बंदे के पास वो बॉल गई ना, उसने कैच नहीं पकड़ा. भाई मुझे पता है तुम अपने ही बंदे थे, इसलिए तुमने कैच छोड़ दिया. ओके बॉयज, मैं आपको सुबह से बता रहा था वी विल मीटिंग हार्दिक भाई. हम मिले थे इनसे थोड़ी देर पहले. हार्दिक भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम. सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू. लाइक अभी हम लोग कार में एक पूरी कॉन्वर्सेशन रखने वाले हैं, एंड आई नो आप सुपर कार्स एंड टैटूज के फैन हो. हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. इट्स गोना बी फन विद हिम. वी आर गोइंग इनटू द कार एंड लेट्स गो. लेट्स गो. Thank you.
Didn't even.